वादी रसा की कोहे हिमालय रसा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रसा का गए। ज़ीशान सिद्दीकी साहब हैं करेली इलाहाबाद से, उन्होंने सवाल किया है कि मुझे तकरीबन 6 महीने से हर दूसरे दिन ये ख्वाब आता है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं। मुअद्दिन ने दांत गिरते देखने की ताबीर फरमाई है राहत व आराम और उम्र दराज होने की दलील है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। देखिए ख्वाब के ताल्लुक से है, ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक ख्वाब होता रहमानी, दूसरा होता है शैतानी, तीसरा होता है खलजानी। जो ख्वाब अच्छे नज़र आए वो मिन जानिब अल्लाह होता है, उसी के बारे में हदीस शरीफ में है कि सच्चे ख्वाब ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, और दूसरा होता है शैतानी डरावने ख्वाब, ये शैतान की तरफ से होता है। इसलिए हदीस शरीफ में आया है कभी आदमी डरावने ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि फौरन उठे और बाएं तरफ थूके और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्र हाज़िहि रुया, इंशाअल्लाह उसके शर से महफूज रहेगा। तीसरा खलजानी होता है, आदमी का पेट ख़राब होता है, बुखारात दिमाग पे चढ़ जाते हैं, औरतों को हैज साफ नहीं आता तो जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बुखारात वगैरह चढ़ते हैं तो उनको कुछ ख्वाब नज़र आते हैं, इसको खलजानी कहा जाता है। ऐसी कोई ताबीर नहीं होती, आप बावजूद होकर सोया करें, कोशिश करें दाने करवट पर लेटें, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए सो जाएं, बिस्तरा को साफ़ सुथरा रखें, कसरत से दुरूद पढ़ने का फ़ायदा होगा कि मुमकिन है कि अल्लाह के नबी किस वक्त जलवा फरमा हो जाए और आपको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।